अस्सलामुअलैकुम, दिल से दुआएं आप जहाँ रहें खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इन ग्रीस। बातें भी आपके साथ होती रहेंगी और आपको मैं ग्रीस एथेंस के जो है वो व्यूज़ भी दिखाता रहूँगा, जो कि बहुत ही दिलकश व्यूज़ होंगे, एंटिक व्यूज़ होंगे आज के। यानी कि आज मैं एक ऐसी जगह पर जाने लगा हूँ, आपको मैं यहीं से बैठे बैठे दिखा देता हूँ। वो सामने से ऊपर एक एक्रोपोली प्लेस है, वहाँ जाने लगा हूँ। तो आप ये देखें यहाँ से, ये है जहाँ मैंने आज जाना है, उन पहाड़ों के ऊपर। सामने एक पहाड़ी और यहाँ पे इनकी जो है तकरीबन 4000 साल पुरानी जो है ना वो इनकी इन्होंने यादाश्त जो है संभाल के रखी हुई है। तो आपको ग्रीस का फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा और क्लोज करता हूँ, उससे ज़्यादा है भी सकता है। तो ये है वो प्लेस और अपनी तो अपनी जर्नी का मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और आपके साथ अपनी मैं जिस तरह ये आया था अपनी फैमिली के साथ टंकी के बारे में भी साथ साथ बातें करता रहूँगा। बातें मैं आप तक कैमरा करूँगा और फ्रंट आप जो है वो व्यूज़ इंजॉय करेंगे। तो होगा कुछ यूँ कि मैं आपको व्यूज़ दिखाता रहूँगा और आपके साथ मैं बातें भी करता रहूँगा, तो उसको आप इंजॉय कीजिएगा। वैसे भी मैं इसलिए बनाता हूँ कि क्या नाम है ये, अब पत्नी हम यहाँ कब तक हैं कब तक नहीं हैं, तो ये कि ये YouTube पे पड़ी रहेंगी, एक मेरी जो है मेमोरीज जो है वो कभी बंदा देखता है तो ज़रा खुश हो जाता है। तो इसलिए मेरा भी ये मकसद है बनाने का। अपनी हम करते हैं जर्नी का आगाज यहाँ से, मेरी जर्नी का आगाज़ हो गया। देखिए कितना ये पुराना, 4000 साल पुरानी एंटीक है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही ओल्ड है। और इसको लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है। इन्होंने पत्थरों को भी संभाल कर रखा है।
तो इससे पहले वीडियो जो आपने मेरी देखी लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम पाकिस्तान से ईरान लीगल गए और उसके बाद ईरान से ग्रीस तक जो है वो इलीगल आए। कैसे आए, बहुत मुश्किल रास्ता था, वो मैं आपको थोड़ा साथ साथ बताते रहता हूँ। साथ साथ आप ये व्यूज़ भी देखते रहें कि इन्होंने पत्थरों की कितनी कदर की हुई है, पत्थरों को कितना इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, बहुत ही नीचे था, अभी ऊपर आ गया। तो तेहरान से हमने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। हम 6-8 लोग थे, 8 लोगों में से जनाब 4 एक गाड़ी में और 4 दूसरी गाड़ी में, 2 गाड़ियों को अरेंज किया जो कि टैक्सियां थी प्राइवेट, उनसे सारी पैसों वैसों की बात हो गई थी। उसके बाद तकरीबन शाम आठ बजे से हमने अपनी डंकी स्टार्ट की और उसके बाद फिर हम लोग अपने सफ़र पे रवाना हो गए। फिर हुआ ये कि जब ईरान का बॉर्डर ख़त्म होने वाला था तो उससे पहले उन्होंने हमें किसी एक जगह छुपाया जो कम लोगों की खास जगह होती है, बोनी को मालूम होती है। बॉर्डर का नाम जो है ना अरोमिया था। उसके बाद तुर्की के पहाड़ सामने नजर आ रहे ईरान और तुर्की के, बस फिर वहाँ से जो है ना डंकी शुरू हो गई। मज़ीद एक रात उन्होंने हमारे को वहाँ रखा, एक दिन वहाँ रखा उन्होंने हमारे को, और उसके बाद फिर उन्होंने हमें जनाब दूसरे दिन रात को किसी दूसरी जगह पे उन्होंने हमें ड्रॉप किया गाड़ियों में। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद उसमें अफगानी भी थे, ईरानी भी थे और यानी कि बहुत सारे कंट्री के लोग थे, जिसमें से कुर्देश यानी कि बहुत सारे लोग थे। मैंने वहाँ जाना है अभी उस पॉइंट पर, अभी मैं यहाँ पहुँचा, वो है अक्रोपोली। मैं हूँ यहाँ मुनस्तराकी पर, ठीक है, ये देख लें आप। अच्छा जी, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ बहुत सारे बंदे इनके बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, और उसके बाद उन्होंने रात को तकरीबन 11 बजे जो है, रात को 11 बजे जो उन्होंने डंकी स्टार्ट की, रात को 11 बजे डंकी स्टार्ट की। वहाँ से आगे चलना था पैदल सारा, और पैदल कुछ ऐसा था कि ये जो पत्थर आपने अभी देखे हैं ना, ये जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं पत्थर, ये पत्थर कुछ भी नहीं है, वो पत्थर जो है ना नोकीले पत्थर थे। लेकिन उन पत्थरों से पहले जो चढ़ाई थी ना, वो आप समझ लें कि यूं थी, सीधा चढ़ना था। और साथ बच्चे थे छोटे, 2 बच्चे छोटे थे, 2 बच्चे बड़े थे, और मैं और वाइफ और मेरा भाई और मेरा कज़न हम लोग थे बस। फिर जनाब यहाँ से जो है हम लोगों ने पैदल चलना शुरू किया एजेंटों के साथ, ऐसे किया, किसी ऐसी लोकेशन में बैठता हूँ जहाँ पे मेरा फेस सही नज़र आए। यहाँ से ये बहुत चिकने हैं, साफ पत्थर हैं बिल्कुल,
बड़े ध्यान से इस पर चलना होता है, नहीं तो बंदा स्लिप भी हो सकता है। यहाँ मैं बैठने की कोशिश करता हूँ। यहाँ शायद फेस जो है सही नज़र आ रहा है। तो जनाब वहाँ से फिर हमारी जो है ना, हमने पहाड़ों पे चढ़ना शुरू किया और चढ़ते 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 तकरीबन रात को हमने 11 बजे चढ़ाई हमने शुरू की थी। और उसके बाद फिर एक पहाड़ी ख़त्म होती थी, दूसरी पहाड़ी से फिर मैं नीचे स्लिप होकर जाना होता था। जिस तरह कि आपको मैं दिखाऊँ, ये गहराई है सामने, ये आप देख रहे हैं, ये गहराई सीधे नीचे जा रही है इस तरह। उसमें स्लिप होने के चांस जो है ना बहुत ज़्यादा होते थे, गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते थे। तो बस ये कि चढ़ते रहे पहाड़ों के ऊपर और सारी रात तकरीबन हम लोग चढ़ते रहे। और उन्होंने हमारे को ये नहीं कहा कि बैठ जाओ, बस जहाँ पे थक जाते थे, जहाँ बिल्कुल ही सांस ख़त्म होने वाला होता था ना, बस यकीन माने कि वहाँ पर चलो। मर्द औरतें तो औरतें, मर्द भी थक जाते थे भाई, इतनी चढ़ाई थी वहाँ पर, इतना चढ़ना पड़ता था कि बस उस चढ़ाई को देख कर और फिर नीचे उतरना ही पड़ता था। फिर हम उसे बोलते थे भाई तुम तो कह रहे थे कि ये, बल्कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितना दूर है, उसने कहा बस ये एक पहाड़ी चढ़ेंगे उसके बाद दूसरी, ये उसके सामने जा रहा हूँ तुर्की है। मैंने कहा ठीक है भाई। एक एजेंट हमारे साथ आगे आगे था और एक एजेंट जो है हमारे पीछे पीछे। बस फिर जब एक पहाड़ी चढ़ के उतरे हैं तो हमने कहा अब, कहते हैं जी बस अब आने वाला है, बस आने वाले आने वाले आने वाले तुर्की पहुंचने वाले हैं, बस अभी हम तुर्की पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। बस वो यूं ही करते रहे हमारे साथ, तसल्लियां देते रहे, ठीक है ना, तसल्लियां देते रहे। उसके बाद हम क्या कर सकते थे उनके, तो हम आज चढ़ गए थे, अब ना हम आगे जोगे थे ना हम पीछे जोगे थे, तो लिहाजा ये कि अब जैसा उन्होंने कहना था हमने वैसे ही करना था। बंदे वो दो थे और हम लोग 150 लोग थे, उन्होंने 150 लोगों को ऐसा काबू किया होता कि एक उनका एजेंट आगे आगे और एक पीछे पीछे, ठीक है ना, एक पीछे पीछे। तो बस पर रास्ते में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, दिसंबर का महीना था 2015 और बारिश भी थी, बारिश के साथ साथ फिर कहीं बर्फ़ पहले से गिरी हुई थी रात को और उसके बाद दोबारा भी बर्फ़बारी हुई थी। हम लोग चल रहे थे उसी बर्फ़बारी में, चल रहे थे, वो पत्थर ऐसे नोकीले थे, उन पत्थरों पर ऐसा चलना होता था अगर ज़रा सा भी आप स्लिप हुए तो आप नीचे की तरफ गिर जाएंगे। जब वो रात, दो रातें जो है बहुत ही मुश्किल से कटी हैं, अल्लाह अल्लाह करके जो है फिर हम बताया कि उसने वो देखो तो सामने वो तो आप देख रहे हो मस्जिद बनी वो तुर्की है। तो फिर हम जब हर रास्ते में बहुत दफा हम गिरे भी, स्लिप भी हुए, चोटें भी लगी, लोगों को हमने वहाँ पे मरे हुए भी देखा है, लोग जो उन पत्थरों से गिरे और पत्थर उनके पसलियों में घुस गए, उनके जिस्म में घुस गए, वो ऐसे नोकीले पत्थर थे। और माशाल्लाह हमारे बच्चे जो ऐसे चल रहे थे, ऐसे जा रहे थे, मैं आपको मैं क्या बताऊं कि जिस तरह ये बच्चे आप देख रहे हैं ना भागे हुए जा रहे हैं, ये इस तरह उछल उछल के जो है ना इस तरह जा रहे थे बच्चे हमारे। वो बहुत आगे आगे थे, मैं और वाइफ पीछे थे, वाइफ जो है मेरी वो उनकी जो है कमर में दर्द होता है, वैसे वो ज़्यादा चल नहीं सकती, तो ज़ाहिर है उनके साथ फिर जो है ना वो मैं उनका हाथ पकड़ के चलता था, उनका हाथ पकड़ के उनको मैंने पकड़ा हुआ था, तो मैं उनके साथ चल रहा था। और अफगान औरतें थीं जिसके अंदर जनाब उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे और बस बड़ी मुश्किल से। एक आपको मैं ख़ास बात बताऊँ, वहाँ पर जब हम बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो ना पैसे थे, साथ हम पैसे लेके नहीं चले थे, जो भी पैसे थे हमने वहाँ रखवा दिए थे। दूसरा खाने पीने की
कोई चीज़ लेकर नहीं चले थे। हमने कहा था क्या पता कि शायद वो दें, जिस तरह हमें पीछे से दूसरे टंकी वालों ने, ईरानी लोगों ने हमें कुछ खाने पीने के लिए दिया था, लेकिन उन लोगों ने जो लोग थे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कोई लिफ्ट नहीं कराई खाने पीने की। और सब लोग जो है अपने साथ बैगों में सामान लेके चले थे, खाना पीना, जूस वगैरह, पानी की बोतलें, और हम लोगों ने तो सिर्फ अपने कपड़े उठाए हुए थे बैगों के अंदर। फिर ये हुआ कि जना हमने एक रास्ते में जना बहुत ही ज़्यादा रात को जना हमें प्यास लगी, तो हमने एक नाम नहीं लूँगा उस कौम का मैं, एक वो किस मुल्क से उनका ताल्लुक था, लेकिन बड़ी उन्होंने जो है ना गलत हरकत की थी हम लोगों के साथ। हमने कहा यार थोड़ा सा पानी भी नहीं देता पीने के लिए अगर है तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई इनको नहीं पानी नहीं देना, ये पाकिस्तानी है, इनको जो है पानी देने की जरूरत नहीं। उन्होंने ना हमें पानी देने से जो ना इनकार कर दिया, पानी नहीं देना है, चलो ठीक है। फिर वो क्या कि हमने जो बर्फ़ गिरी हुई थी ना ज़मीन के ऊपर यानी कि पत्थरों के ऊपर, हमने वो बर्फ़ उठा के थोड़ी सी ज़बान पर रखी और फिर हमने अपनी ज़बान को कुछ थोड़ा सा तर किया, यानी कि कुछ थोड़ा सुकून मिला के यार चलो मतलब गुजारा हुआ। पर ये कि फिर हमने जो ना चलते रहे खैर तुर्की पहुंच ही गए थे तकरीबन बाई रोड बाई रोड का तो सफ़र ही था सारा पहाड़ों का और जंगलों से रास्तों से गुजर के जहाँ था, और कैसे जंगल थे ऐसे जंगल थे जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा जंगल, ये जंगल थे जनाब बिल्कुल इस तरह के जंगल थे, ठीक है। इन जंगलों से हमने गुजर था वहाँ पर भाई, आपके साथ कुछ भी हादसा जो है ना वो हो सकता था, ठीक है ना, कोई हादसा आपके साथ हो सकता था। और वहाँ से जब आप हमने कि मैंने आपको बताया पहले कि वहाँ पर मैंने कुछ डेड बॉडियाँ भी देखी थी, कुछ गिर के लोग जो हैं वो बेचारे मर गए थे वहीं पे, उनके अगर कोई भाई साथ था तो भाई उनको वहाँ छोड़ गया था, अगर कोई बाप था मर गया तो बाप को वहाँ छोड़ के चले गए थे अपने, क्योंकि वहाँ तो बंदा इंसान खुद ही नहीं पैदल चल सकता तो किसी को लेके क्या चलेगा, किसी को सहारा नहीं दे सकता वहाँ। बहर बड़ी मुश्किल से जनाब तुर्की पहुँचे, तो फिर उसके बाद तुर्की के बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगले व्लॉग में हमारे साथ क्या हुआ था, अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें। लोग यहाँ आए फोटोग्राफी कर रहे हैं, आते हुए सीन दिखाया था वो ये सीन था, यहाँ यहाँ से आया चलते हैं वहाँ अक्रोपोली, ये इस जगह तो जनाब आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी जो टंकी की थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सी वो भी आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने आपको ईरान से तुर्की तक की सुनाई थी, अब तुर्की से यूनान किस तरह टंकी लगी वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। और अभी मैं जाने लगा हूँ वहाँ सामने, ये है अक्रोपोली, यहाँ आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा ये तुर्की से यूनान की टंकी ग्रीस किस तरह पहुँचे।
जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।